Hi everyone, so we are back for our new video on traditional dress. So this time we'll be doing a Christian wedding dress. Okay, so as we have discussed on online कि हम लोगों के टोटल 6 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें से कुछ हमारे जो है वेडिंग ड्रेस हैं, जैसे कि आपका क्रिश्चियन हो गया, देन यू हैव इस्लामिक मुस्लिम वेडिंग एंड देयर विल बी अ वन मोर वेडिंग. ओके, एंड अब बाकी जो भी बचा हुआ है वो आपका जो भी रहेगा. हाँ, वन मोर विल बी योर राजस्थानी स्टाइल वेडिंग एंड बाकी जो भी रहेगा वो ट्रेडिशनल ड्रेस ही रहेगा. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस, मैंने ये पूरा स्केच बनाया है ऑफ अ गर्ल वियरिंग अ क्रिश्चियन वाइट गाउन एंड ये मैंने मेल फिगर भी बनाया हुआ है साथ में, जिनको मैंने एक बो टाई एंड अ टॉप नॉच ब्लेजर जैकेट पहनाया है. इसके साथ ही नीचे इनका जो कोट बनाया है मैंने वो ऐसे सामने से शॉर्ट एंड पीछे से लॉन्ग है, लाइक अ रॉयल स्टाइल मैंने ये डिजाइन किया हुआ है इस पे. सेम वे शी इज ऑल्सो वेयरिंग दिस वेल, जो कि वेल का अभी मैंने बैकग्राउंड लाइट कलर किया हुआ है. वी विल बी डूइंग द वाइट ओवर दिस एंड द होल बैकग्राउंड आई हैव डन वाइट, सॉरी ब्लैक. वो पूरा वाइट था, पहले मैंने स्केच बनाया है, उसके बाद मैंने पूरा बैकग्राउंड कलर कर लिया है. वो पूरा जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम लोग पूरा अपना ड्रेस कलर नहीं करेंगे. वी विल बी डूइंग द होल ड्रेस विद वाइट कलर. ओके, सो वाइट को ज़्यादा दिखाने के लिए अच्छे से प्रॉपरली हमें अपने बैकग्राउंड को ब्लैक करना ही होगा, ठीक है, तभी हमारा वाइट ड्रेस दिखेगा, है ना. दैट्स वाई मैंने आपकी पूरी कॉपी को अपने पूरे सर से ब्लैक पोस्टर कलर से कलर कर लिया है. एंड जब जो भी मेरा वेल वाला ड्राइंग था उसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट ब्लैक किया हुआ है ताकि हमें वाइट से ट्रांसपेरेंट शेडिंग देने में प्रॉब्लम ना हो. ओके, एंड सेम वे शी इज हैविंग अ लॉन्ग वेल जो कि बैक साइड से इसके आ रही है और जो यहाँ तक एक्सटेंड हो गई, ठीक है. सो एज यू कैन सी द होल कॉपी एक साइड शिफ्ट करके बनाना है आपको ये फिगर. ओके, जैसे कि आपने सेंटर पे ये बनाया है, सपोज करिए, ठीक है, सेंटर पे आप ये मेल फिगर ले लो और फिर सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड जा करके आप यहाँ पे अपना फीमेल फिगर बनाओगे एंड यहाँ पे कम गैप है एंड यहाँ पे ज्यादा गैप है जस्ट बिकॉज टू शो द वेल थिंग. तो ये आपको जितना लंबा चाहिए होगा इस वजह से आपको उतना इसको टिल्ट करके इस साइड थोड़ा सा कॉपी के आपको राइट साइड पे बनाना पड़ेगा. ओके, ऑन योर राइट साइड ऑफ द कॉपी यहाँ पे. तो इस वजह से आप ये मेल फिगर जब आप सेंटर में ड्रॉ कर दोगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा यहाँ पे आपको फीमेल फिगर बनाना है. एंड पोज आप लोग को पता ही है कैसे बनाना है. मैं इसके बाद कैसे बनाया है इसका फिगर, इसका पूरा डायरेक्शन, पूरा का पूरा स्केच का जो वीडियो है वो अभी इसके बाद नेक्स्ट वही होगा जिसमें मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके ही उसका पूरा स्केच बना दिया है डायरेक्टली. ओके, सो यू विल ऑल्सो हैव टू मेक दिस, यू हैव टू मेक सम कर्ली बंस एंड ऑल, और सामने से भी ऐसे हेयर्स दिखाने हैं, इसमें भी, इसमें भी. एंड वेल वाला एरिया पूरा का पूरा मैंने उसको लाइट कलर कर दिया है. इसको भी आप ऐसे लाइट कलर ही बैकग्राउंड दोगे बिकॉज बैकग्राउंड उसका रहेगा ही ना, वो तो कहीं जाएगा नहीं. ओके, दैट्स इट. सो दिस इज द होल फिगर ऑफ अ क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस विच विल बी डूइंग. ये मैं हम लोगों ने फ्लावर का बुके पकड़ ये पकड़े हुए हैं दोनों के दोनों. सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल पोज विच विल बी डूइंग दिस. ओके, एंड फिर हम लोग इसको पूरा हम लोग को कटआउट लगाना होगा अपने ब्लैक शीट पे. ओके, तो इसका फिर आप बॉर्डरिंग जो होगा ना वो वाइट कलर से करना, पूरा का पूरा वाइट बॉर्डर होगा. ओके, बिकॉज वाइट ड्रेस है तो वाइट बैकग्राउंड पे फिर वो ड्रेस इतनी समझ में ना आती, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस ब्लैक बैकग्राउंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केच ऑफ द होल ड्रेस, दोनों का कैसे किया है हमने उसका वीडियो है नेक्स्ट. उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू कलर बोथ देम, इन दोनों को हम कलरिंग सीखेंगे, वो भी हमारा फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो ही रहेगा कि हाउ टू डू द कलरिंग ऑफ बोथ द ड्रेसेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस.
So now I have colored with the paste. Okay, so as you have seen in the video, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से इसका जो सूट किया है पूरा टोटली ब्लू कलर का किया हुआ है, यानी ये पूरा वाइट गाउन है जिसमें कहीं कहीं पे वाइट एकदम वाइट नहीं दिखता, जब लाइट के शेड्स पड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा वाइट का एक डार्केस्ट शेड पड़ता है। दैट्स व्हाई मैंने कुछ कुछ जगहों पर ही सिर्फ डार्केस्ट शेड्स करे हैं, बिकॉज ये जैसे पीछे का एरिया है वहाँ पर फोल्ड्स होंगे तो उसको जब हम पेंसिल से ठीक करेंगे तो वो बाद में हो जाएगा। सेम वे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे भी मैंने कैसे वाइट से इफेक्ट दिया है उसके हाथों पे नीचे ड्रेस में। ओके, ना सेम वे शर्ट पे किया है, आप शर्ट का बो टाई कलर कर लेंगे, देन यू विल डू द हेयर स्टाइल एंड स्किन। उसके बाद हम लोग अब इसमें फटाफट फाइनल टच देंगे बिकॉज देर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। और मैंने ये बुके भी कलर कर लिया है अपना, इसको भी सूखने देते हैं। जब तक ये सूखेगा तब तक हम लोग अपना हेयर स्टाइल, स्किन एंड एवरीथिंग, बो टाई वगैरह ये फिनिश कर लेते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक अपनी फाइनेस्ट टिप वाली पेन से मैंने एक फाइन फाइन लाइन ड्रॉ कर ली है। सेम वे ये लाइन्स हम पूरे अपने ड्रेस पे भी ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। ओके, आपको बस एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी है, एक ज़्यादा बोल्ड लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है हमें, सिर्फ एक आउटलाइनिंग के लिए हमें एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि एक शेड भी मिल जाएगा एंड एक आउटलाइन भी मिल जाएगा हमारी ड्रेसेस को। ओके, बेसिकली हमें पहले सिर्फ पूरे पूरे ड्रेस पे कलर करना है, सिर्फ अभी ड्रेस पे ही आउटलाइन कलर करना एंड बहुत ही हल्के हाथ से एक बहुत ही पतली सी लाइन मार्जिन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ओके, फिर हम यहाँ पे अंदर की तरफ भी हल्का हल्का मार्जिन ड्रॉ कर दे रहे हैं। दिस इज द सेम वे हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, इतना ही हमें अभी यहाँ पे करना है, फिर बाकी जो हमें करना है वो हमें अब यहाँ पे दिखाना है, तो इस वजह से हमें अब यहाँ पे भी कुछ कुछ कहीं कहीं पे मार्किंग्स दिखानी पड़ेंगी क्योंकि ये प्लीट्स हैं एंड फोल्ड्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें टच करते हुए पेन को यूज़ करना है, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम। एंड एज यू कैन सी मैंने इसके वेल पे भी कैसे कलर किया हुआ है, तो वेल पे जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐसे शाइन दिखानी है वहाँ वहाँ पे हमें, और ये क्या है, ये इसकी प्लीट्स दिखाएगा बेसिकली। ठीक है, तो कैसे फोल्डिंग्स हुई हैं, फिर यहाँ पे कैसे ब्लैक लाइंस है पीछे के साइड में, यहाँ यहाँ मैंने बस ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं यहाँ पर इस तरह से। अब इस पर हम लोग वाइट स्केच पेन, वाइट कलर से उसको और हाईलाइट कर देंगे एंड हमारी ड्रेस को तो हमने बस इतना ही हाईलाइट करना है बैकग्राउंड से ताकि उसका शेप दिखने लगे। ओके, अब मैं फटाफट इसका बो कलर कर देती हूँ। इसके बो को हम लोग रेड कलर से कलर करेंगे ताकि थोड़ा सा हाइलाइटेड दिखे। ओके, तो पहले आप पूरा इसको अच्छे से फिल कर लो ऊपर का पोर्शन एंड अंदर वाले के लिए हम कुछ नहीं, बस ब्लैक स्टेडलर से हाइलाइट्स देंगे। यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लाइक दिस। ओके, तो ये हमने कर दिया है। अब हमारी शर्ट के बाहर वाला जो हमारा ये ब्लू ड्रेस है उसके लिए कलर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ब्लू का शेड लेंगे। ब्लू का हम लोग एक लाइटेस्ट शेड ले लो जो कि एक, जो कि हम लोग जिससे उसका पहले तो लेपल बोलो या लेपेल बोलो, दोनों सही है। ठीक है, पहले उसको हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है, तो लाइटेस्ट ब्लू के शेड से पहले उसको हाईलाइट कर लो इस तरह से। ठीक है, वाइट ड्रेस के ऊपर बजा के कलर करना, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं पड़ना चाहिए, तो बहुत ध्यान से कलर करना। एक बार मैं लेपल को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ। ओके, ये हो गया।
अब क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे का वो एरिया था, याद होगा आपको, ये चीज यहाँ से कर्व था ये ड्रेस, तो इसको थोड़ा सा हम इसलिए इसको डार्क करेंगे यहाँ पे लाइक दिस, क्योंकि वो ऐसे फोल्डेड था, वो पीछे का बैक का ड्रेस था वो वहाँ पे, तो वो डार्क होगा क्योंकि वो कवर्ड है. ओके, एंड सेम वे फॉर द पैंट, हम लोग अब पैंट में भी शेडिंग देते हैं फटाफट साथ साथ. ओके, तो पैंट में जो भी अंदर का एरिया होगा वो पहले डार्क कर लो, जितना भी आपको हाइलाइटिंग दिखानी है वो उतना कलर कर लीजिए पहले इस तरह से. हो गया इस तरह से, ठीक है. सेम वे अब लेपल के नीचे और उसके पास पास भी तो हाइलाइटिंग होगी. डार्केस्ट वाला जो भी एरिया है वो हम सब हाईलाइट कर लेते हैं. इस तरह से सी, अब आउटलाइंस बन गई हमारी ना. अब इन्हें हम और हाईलाइट करेंगे किससे, यूज करके वाइट. अब वाइट से जो भी बचा हुआ है ऊपर का एरिया वो सब हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है. अब जहाँ पे भी आपको लगता है थोड़ा बहुत शाइन देना है हल्का फुल्का वाइट से, ताकि हमारा ब्लेजर जो है थोड़ा सा और अच्छे से अपलिफ्टेड दिखे, तो पहले वाइट कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग उसको ब्लैक से फिनिश देंगे. ओके, यस लाइक दिस, ठीक है. सबसे पहले वाइट से फिनिश कर लो. ओके, उसके बाद ब्लैक से करेंगे कलर. ये ऊपर वाला एरिया पैंट का, ऊपर वाले में ही हाइलाइटिंग होगी, अंदर वाले में नहीं होगी क्योंकि वहाँ हमने डार्क किया हुआ है. मेक श्योर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ हमारा डार्क है पैंट, तो वो डार्क ही रहे सो पूरा शेडेड कर दो, डार्क से डार्क तक पूरा. एक तरफ का पैर लाइट रहना चाहिए और एक तरफ का एकदम डार्क, क्योंकि वो काफी अंदर के साइड में है इस वजह से, ठीक है. थोड़ा बहुत हाइलाइटिंग करा सकते हो इस तरह से, बस ज्यादा नहीं इस तरह से, ठीक है. अब हम इसको फिनिश करेंगे हमारे ब्लैक स्टेडलर से. ओके, तो ब्लैक सेडलर से हम बस अब फाइनल आउटलाइनिंग दे देते हैं जहाँ कहीं भी हमें देना है, स्पेशली आर्मपिट. इस बार हमें इसमें आर्मपिट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसका आर्मपिट बनाइएगा. आर्मपिट मतलब कि जो हमने क्रॉस बनाया हुआ है, शोल्डर्स हमारे यहाँ से स्टिच्ड होते हैं ना गाइज, वो मैं कह रही हूँ, ठीक है. थोड़ा सा एज लेकर के और बहुत ही फाइन और बहुत आराम से इसका हम फिनिशिंग करेंगे यूजिंग ब्लैक स्टेडलर, ठीक है. इसका कॉलर फिनिश कर देते हैं हम लोग. ठीक है, सेम वे हैंड्स. जहां पे भी आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो वहां वहां पे ब्लैक से आउटलाइनिंग कर देना इस तरह से. पैंट पे भी कर लेते हैं कलर. पैंट पे भी सेंटर में हमें जो पैंट अपनी की थी हाइलाइटिंग देनी है. फिर यहाँ पे जैसे कि हम क्रीज देखे थे, पैंट्स में क्रीजेस होती हैं, वो भी हाईलाइट करना है. एंड देन योर पैंट का आउटलाइन और अपने कोट का भी आउटलाइनिंग ध्यान दीजिएगा, वो भी अच्छे से फिनिश कर देना इस तरह से. हो गया, दैट्स इट, ड्रेस हो गया हमारा. ज़्यादा हाईलाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम हाईलाइट करना है, कुछ कुछ जगह पे बस, दैट्स इट. और यहाँ पे तो खैर अंदर जब ये बुके पूरा मेरा सूख जाएगा उसके बाद मैं उस पर काम करूँगी, ठीक है. अभी तो मैं इस पर कुछ नहीं टच करी, बिकॉज अभी भी कुछ में कुछ कुछ चीज़ें अभी भी गीली हैं बहुत सारी. हो गया ना,
अब शर्ट के अंदर का बस ये शर्ट का वाला एरिया, ये वाला पीस को पेन से करना चाहो तो पेन से कर लो, स्टेडलर से करना चाहो तो स्टेडलर से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन्स दिखाते नहीं है, यूजिंग स्टेडलर्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इस तरह से, ओके। तो ये इसकी भी ड्रेस, इसकी ड्रेस तो कंप्लीट है, सिर्फ हेयर स्टाइल करना बचा है, मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ कलर। सो हैव अ लुक, मैंने इसका स्किन कंप्लीट कर लिया, दोनों का स्किन, दोनों की हेयर स्टाइल। इसको मैंने ब्राउन हेयर स्टाइल दिए, आई हैव गिवन हर ब्लैक विद सम वाइल्ड लॉक्स। नाउ आई एम फिनिशिंग द ड्रेस ऑफ हर्स, ओके। तो मैंने ऐसे आउटलाइनिंग शेपिंग करी है यूजिंग स्टेडलर एंड पेंसिल, स्टेडलर पेंसिल से मैंने शेपिंग करी है यहाँ पे ड्रेस में, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लैक से आउटलाइन करनी पड़ेगी, तभी उसका फिर वो लुक दिखेगा, क्लियर होगा, ठीक है। नाउ आई विल बी डूइंग द बेस वन, इसको भी मैं पूरा फिनिश करती हूँ, फ्रिल्स एंड ऑल। उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें हल्के हल्के ब्लैक से ही आउटलाइनिंग्स बनानी होंगी उसके ऊपर। उसके सबसे उसके पहले मैंने एक लाइट येलो पेंसिल से मैंने पहले एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली थी, जिससे हमें एक हाईलाइटेड वाला वर्जन दिखता रहे यहाँ पे, ठीक है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा क्लियर, उसी के ऊपर मैं बहुत हल्के से, बहुत ही लाइटली मैं ये अपनी ब्लैक पेंसिल चला रही हूँ इस तरह से, ओके, बहुत ही हल्के से, लाइक दिस। नाउ यहाँ पे तो इसमें एक एजेस मिल गए इसको, ठीक है। सेम वे में हम यहाँ पे भी इसको फिनिश कर लेंगे इस तरह से, इसको भी एक आउटलाइन देना है हमें, ये देखो, ये इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि ये मैंने कैसे किया, इस वजह से मैं ये वाला वीडियो आपको इसलिए बता के कर रही हूँ। सीरियस मैं बहुत ही हल्का हल्का गाइस फ्रिल्स एंड लफ रफल्स के तरह से मैं इसको आउटलाइनिंग दूंगी, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है करना, ठीक है। ड्रेस में ड्रेस ही नहीं होती है, यू हैव एवरीथिंग इन दैट, यू हैव फ्रिल्स, यू हैव रफल्स, जिसमें सब चीज़ का एक आउटलाइन होता है बिकॉज ऑफ लाइट का शेड, ओके। लाइट की शेड की वजह से ही सब दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है। सब कुछ इज द वाइट होता तो कभी दिखता ही ना, जब तक उसमें आपको लाइट के इफेक्ट की वजह से आपको वो वाइट भी कभी कभी अलग सा दिखता है इस तरह से। तो मैं अब इसका नीचे का एज भी क्लियर कर लेती हूँ, ये देखो दिख रहा है ना, कुछ कुछ और जहाँ पे मैंने रफल्स दिए हुए हैं, ये पीछे का एरिया है, इस वजह से उसको वैसे ही कलर करना, यहाँ पे भी फिनिश इट इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो आप यहाँ पे और सारे फ्रिल्स दे सकते हो, ये जैसे सपोज करो अंदर की ऐसे लेयर है, दैट्स व्हाई इसको हमें फिलिंग करनी है फ्रिल्स एंड रफल्स की तरह इस तरह से, ओके। अब क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी व्हाइट गाउन है, अब इसके अंदर हम लोग कैसे व्हाइट से शाइनिंग देंगे, तो नाउ फॉर दिस वी विल बी यूजिंग अ फैब्रिक पोस्टर कलर, क्योंकि वो जो होता है हमारे फैब्रिक कलर से थोड़ा ज्यादा, पोस्टर कलर से थोड़ा ज्यादा इफेक्ट देगा, दैट्स व्हाई हमें इसमें फैब्रिक कलर यूज करना पड़ेगा। नाउ सी, अब आपको डिटेलिंग्स क्लियर दिख रही होगी यहाँ पे, है ना, कैसे डिटेलिंग्स देनी हमें, ये सब दिखने लगा ना आप नीटली। एंड सेम वे यहाँ पे भी अब हम इसको भी फैब्रिक कलर से ही इसका वेल कलर करेंगे, ओके। अब कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। फ्रिल्स एंड रफल्स के अंदर थोड़ी बहुत शेडिंग दे दो अगर आप चाहो तो, ओके। इसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत ग्रे से शेडिंग कर सकते हो, शेडिंग देने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैंने वो स्टेडलर से किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको हल्का सा व्हाइट कलर से उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह से इसी को हल्का हल्का मर्ज करेंगे हम लोग, ताकि वो एजेस भी ना दिखें बहुत शार्प शार्प, और वो उसी में मर्ज भी हो जाए, दिखा या, और ये जो कलर होगा वो उसको ऑलरेडी डार्क दिखा देगा कि हाँ अंदर के फ्रिल्स हैं ये इस तरह से। कुछ कुछ जहाँ पे हम इस तरह से वाटर को यूज करेंगे,
एंड वहां पे उसको शेप देंगे। ये देखो इस तरह से सेम आपने जितने भी फ्रिल्स बनाए हैं उन सब पे वॉचर से जैसे आप टच करोगे ना वो ऑटोमेटिक इस तरह से फ्रिल्स बनने लगेंगे इसमें। ठीक है, कुछ कुछ व्हाइट का एरिया छोड़ देना, डू नॉट टच दैट, जस्ट डू द रफल एरिया। इस तरह से क्लियर, नीचे वाला भी फिनिश कर लेती हूँ मैं। इससे क्या होगा ना कि उसने एक ये दिखाया कि हाँ अंदर लेयरिंग है यहाँ पे, ठीक है, लेयर है, इट इज लेयर, एवरीथिंग इज लेयर, कुछ भी वहां पे शार्प एजेस नहीं है, ठीक है, रफल्स हैं वहां पे, फ्रिल्स नहीं है, फ्रिल्स होते हैं अलग, देयर आर रफल्स। ठीक है, सेम वे ये जो शार्प एजेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं इनको भी आप लाइट कर सकते हो इस तरह से मर्ज करने के साथ साथ। ठीक है, मर्ज नहीं करना है, सिर्फ उसके ऊपर ब्रश चला देना है इस तरह से। मेक श्योर कोई भी कलर मर्ज नहीं होना चाहिए, अब ब्रश चला दोगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर वो डेवलप कर लेगा, तो वो स्ट्रोक्स जैसा कुछ दिखेगा नहीं, कलर ही कलर दिखेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें फिनिश हो गया है। ब्लैक कलर से जो भी हमें मेन चीजें अगर दिखानी है हमें कुछ मान लीजिए तो हम उसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा हाईलाइट कर लेंगे, जैसे कि हमारी सबसे ज्यादा फ्रंट ड्रेस दिख रही है। ठीक है, सेम वे अब एक फाइनल हाइलाइटनिंग करनी है हमें, इसके लिए मैं ऐसे ब्लैक स्टेडलर से एक फाइनल हाइलाइट कर लेती हूँ, बहुत ही पतला पतला हाइलाइटनिंग करना, आउटलाइनिंग करा है मैंने। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड एरिया है जहां पे आपको लग रहा है कि वो ज्यादा मर्ज हो गया है वहां वहां पे बस ऐसे ऐसे हाईलाइट टच कर दो। That's it. ठीक है, ज्यादा मत कर देना, बहुत वो ओवर पावर करने लगे। यहाँ पे भी इसको भी हम व्हाइट से भी यहाँ फिनिशिंग करेंगे, जिस तरह से ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे व्हाइट से भी फिनिशिंग होगा। अभी अभी इतने नीचे अभी इतना ही कलर करना है। ठीक है, ग्रे से हमने इफेक्ट दे दिया फ्रिल्स का, ऊपर का हमारा पोर्शन डन है, वहां हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इट इज ऑलरेडी फिनिश्ड ऊपर का पोर्शन, सिर्फ अब वेल बचा हुआ है जिसको हम फैब्रिक कलर से करेंगे और नीचे भी। यस, सी फैब्रिक कलर मैंने लिया है और अब मैं इसका वेल पे हाइलाइटनिंग कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वेल है तो वेल मतलब कि होता है कि किसी भी कवरिंग को जो आपके फेस को या आपके हेड को कवरिंग करती है उस चीज को हम लोग वेल कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्रिश्चियंस में भी इस तरह से वेल्स होती हैं जो कि यूज होती हैं इस तरह से। हेड के पास वाला एरिया कलर कर देंगे ना, पूरा हम लोग ऐसे आउटलाइनिंग करेंगे सबसे पहले तो उसकी इस तरह से। जितना भी एरिया दिख रहा है पीछे का वो कवर कर दो। ये मैंने व्हाइट फैब्रिक कलर लिया हुआ है, मेक श्योर आप भी वही कलर लेना। एक व्हाइट कलर की कवरिंग जरूर दिखनी चाहिए प्रॉपरली, भले हमारी हेयर स्टाइल ढक जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
बट एक ट्रांसपेरेंट वाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो हल्का सा इसलिए ग्रेइश मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था पहले से ही बैकग्राउंड में। यहाँ पे इसके डार्क बैकग्राउंड नहीं होगा, हल्का हल्का सिर्फ लाइट होगा। थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे हमें इस पर डिज़ाइन दे देनी है, क्योंकि ये नेच का है तो एक नेच का लुक हमें ऐसे ही देना होगा कि उसमें हल्के हल्के कहीं कहीं पे इस तरह से डिज़ाइंस बने हुए हैं। ठीक है, ये लाइक दिस, जो भी बचा हुआ एरिया हो वहाँ पे भी दे दो, हर तरफ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये इसका बेल कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पे भी हम कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे इफेक्ट दे देंगे फिल टाइप के। ठीक है, इस तरह से देना है वाइट कलर से, जितना ज़्यादा वाइट होगा उतना ज़्यादा वो दिखेगा, और बहुत ही रॉ लुक देना, आँखों से दिखेगा ये ज़्यादा टाइम। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों किए हैं। वाइट पोस्टर कलर से मत करना, फैब्रिक कलर से ही यूज़ करना, एंड उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर से फिलिंग कर देना, ये दिखाने के लिए कि हाँ फ्रिल्स के पैटर्न्स हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत ऐसे बाहर की तरफ भी डिज़ाइन बनाते चलो कि फ्रिल का डिज़ाइन बाहर तरफ भी जा रहा है, दिखा होगा इस तरह से। सेम वे यहाँ पे भी, ओके, बाहर की तरफ भी डिज़ाइन बनाते चलना रफली। अंदर के साइड पे इस तरह से, यस। नाउ हमने नीचे भी एक रफ लुक दे दिया है, ओके। प्लीज फैब्रिक कलर से, इस तरह के इफेक्ट फैब्रिक कलर से ही आएंगे। देखो ये शाइन दिख रही है ना इस तरह से, क्योंकि वो फैब्रिक प्लास्टिक पेंट होता है ना, दैट्स वाई वही हमें इस तरह का इफेक्ट देगा। ये आपको करना है अपनी ड्रेस पे, नीचे के साइड्स पे तो स्पेशली करना है। सिर्फ बॉटल से डायरेक्टली कलर उठाओ एंड उसको डायरेक्टली डैप डैप करो इस तरह से। ये सिर्फ बॉटल से डायरेक्टली कलर उठाओ एंड डैप लाइक दिस। से कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं हमें इस तरह से, फैब्रिक कलर से ही होंगे ये, इसलिए हमें इसको ऐसे उठे उठे हुए स्ट्रक्चर्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं। मेक श्योर थोड़ा ड्रामेटिक दिखाना है इस वजह से, इस तरह से करना। थोड़ा बहुत डिज़ाइन इसके गाउन पे भी देना है सेम वे, ऐसे उठा उठा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें इसे थोड़ी सी डिज़ाइंस कुछ नहीं बनी है, इसलिए इसको उस पर हल्का हल्का फैब्रिक कलर से ही रफली हमें डिज़ाइन देनी है। ब्रश को, ड्राई ब्रश को डैबिंग करनी है, ध्यान से देखो। ड्राई ब्रश में कलर होना चाहिए और फिर डैबिंग होना चाहिए, हल्का सा हमें यहाँ पे भी देना है उठा हुआ स्ट्रक्चर। जब ये ड्राई होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही रहेगा, वो कभी भी रिमूव नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा, क्योंकि फैब्रिक पेंट है। ठीक
ठीक है। तो कभी भी हमेशा वाइट ड्रेस जब भी कलर करना, हमेशा ध्यान रखना कि पहले पोस्टर कलर से बेस होता है, उसके बाद अगर उसमें कोई डिज़ाइंस बनानी होती है तो हमेशा हम फैब्रिक पेंट ही लेके करते हैं, इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ थोड़ा बहुत जो भी हो नीचे की तरफ फिनिश कर दो, जो एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ठीक है, तो ये डन हो गया है, फिनिश्ड है। ओके, फाइनल लुक, फाइनल लुक इस तरह से कुछ आएगा। ओके, ये ऊपर से सीधे लाइट का शेड्स, कैसे लाइट्स के शेड्स की वजह से देखो कैसे वो उठे उठे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वहाँ पे। ओके, सो दिस इज योर क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस, यू हैव टू फिनिश इट लाइक दिस ओनली। ओके, इफेक्ट ऐसे ही आने देना, लाइट के शेड्स के अकॉर्डिंग ही वो वैसे दिखेगा, एंड लीव इट लाइक दिस ओनली। ओके, सो दिस इज फिनिश गाइज, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स इन दिस, जस्ट फिनिश इट एज सिंपली एज इट हैज़ बीन डन इन द वीडियो। ओके, बाय बाय।